What is testing? The process of operating a system or component under specified conditions, observing or recording the results, and making an evaluation of some aspect of the system or component. That is what you call testing according to the IEEE standards glossary of software engineering terminology. यानी के टेस्टिंग ये है कि आपने किसी कंपोनेंट को ऑब्जर्व किया, किसी कंपोनेंट की रिजल्ट्स को रिकॉर्ड किया. रिजल्ट्स को रिकॉर्ड का मतलब है कि आपने कुछ उसको इनपुट किया, उसका आउटपुट आया, आपने उसको नोट डाउन कर लिया. ठीक है, मैंने इसको 5 दफा इनपुट दिया तो 5 दफा आउटपुट क्या आया, क्या इनपुट दिया उसका क्या आउटपुट आया. ठीक है, तो इस तरह आपने उसके मल्टीपल कंडीशंस को चेकिंग किया, इसको आप कहते हैं टेस्टिंग. अब ये तो काफी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होगी ना, तो टेस्टिंग तो कुछ भी हो सकती है. अभी तो हम सिर्फ जनरल टेस्टिंग की बात करें. टेस्टिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं कि जी दरवाजा का हमने हैंडल लॉक लगा हुआ है हमारा, तो हम क्या करते हैं? क्या हम उस हैंडल लॉक को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा बंद करते हैं? ये हम क्या कर रहे हैं? हम टेस्ट कर रहे हैं कि दरवाजा सही तरीके से बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा, खुलने में जो है वो दरवाजा अटक तो नहीं रहा. ये भी टेस्टिंग है. तो इसी तरह हम सॉफ्टवेयर की भी टेस्टिंग करते हैं. सो टेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग व्हाट इज विद व्हाट ऑट टू बी. यानी कि दरवाजा सही खुल रहा है कि नहीं खुल रहा, तो आपने कोई दिमाग में आपके कोई परसेप्शन होगी कि दरवाजे का सही खुलने का क्या मतलब है, कि उसकी आवाज ना आए दरवाजा खोलते हुए, स्मूथली खुले, दरवाजा खोलने में वो हैवी ना हो. ये हो गया व्हाट ऑट टू बी. और व्हाट इज, जब आप दरवाजा खोलते हैं चेक करते हैं कि क्या हो रहा है. ठीक है, रीजंस क्या है हम टेस्टिंग क्यों करते हैं? सबसे पहली बात क्वालिटी, या फिर एक्सेप्टेबिलिटी, या फिर डिस्कवर द प्रॉब्लम्स. क्वालिटी का मतलब या तो हम क्वालिटी चेकिंग के लिए टेस्टिंग करेंगे, या हम चेकिंग इसलिए करेंगे, टेस्टिंग इसलिए करेंगे कि हमें जो चीज चाहिए क्या ये वही काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और या फिर हम कहेंगे यार इसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, हम उस प्रॉब्लम को डिटेक्शन के लिए टेस्टिंग करेंगे. सो टेस्टिंग इज द प्रोसेस टू प्रूव दैट द सॉफ्टवेयर वर्क्स करेक्टली, और टेस्टिंग इज द प्रोसेस टू प्रूव दैट द सॉफ्टवेयर डज नॉट वर्क करेक्टली. ये चीजें हो सकती है ना. टेस्टिंग आप इसीलिए करते हो, या तो ये चेक करते हो कि चीज सही काम कर रही है, या ये चेक करते हो कि चीज सही काम नहीं कर रही है. टेस्टिंग अप्रोचेस की अगर हम बात करें तो देयर आर माइंडसेट्स टू इट, देयर आर डिफरेंट माइंडसेट, देयर आर डिफरेंट लेवल्स. अगर हम बोरिस बीजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बोरिस बीजर ने हमें यह बताया कि देयर आर 5 लेवल्स ऑफ टेस्टिंग पर्पस, यानी कि 5 पर्पसेस ऑफ लेवल्स ऑफ टेस्टिंग, लेवल 0 टू लेवल 4. कौन कौन से हैं? According to Boris Beiser, level 0 का मतलब है कि क्या है कि प्लानिंग कुछ नहीं है, अगर तो एरर आ गया तो ठीक कर लेंगे, नहीं आया तो बस ठीक है चलने दो. तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टेस्टिंग एंड डिबगिंग. वी डोंट नीड अ फॉर्मलाइज्ड एफर्ट फॉर टेस्टिंग, वी डोंट हैव अ प्लान, इफ देयर इज एन एरर वी विल फिक्स इट. ठीक है, जनरली हमारे पास जो स्टूडेंट्स होते हैं, अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इसी तरह चल रहे होते हैं, हिट एंड ट्राई की बेस के ऊपर, कि अगर गड़बड़ हो गई, कोई एरर आ गया तो ठीक कर लिया, नहीं तो ठीक है सब कुछ. ठीक है, यही वो एग्जांपल है, ये आपकी लेवल जीरो है. लेवल जीरो में क्या होता है? डज लिटिल टू हेल्प डेवलप प्रोग्राम दैट आर रिलायबल. जनरली अगर आपने लेवल जीरो अपनी अप्रोच रखी हुई है, अपना पर्पस ऑफ टेस्टिंग लेवल जीरो रखा हुआ है, तो उसमें फिर आपके पास रिलायबिलिटी का फैक्टर बहुत मिनिमम हो जाता है. देन वी हैव लेवल वन. Then we have level one. Level one में क्या होता है कि आपका जो है वो the software works. Approach क्या है? Software is correct, but correctness is virtually impossible to either achieve or demonstrate. Level one testing ये है कि अगर आप testing कर भी रहे हैं तो आपको पता है कि कौन से input पे ये program सही चलेगा, तो आप वही input के ऊपर test करोगे जो valid inputs हैं. That is level one. To show that the software works. ठीक है, आपका focus ये नहीं है कि मैं इसमें से गलतियां निकालूं. आपका focus ये है कि मेरा program सही चल रहा है. मेरा program सही चल रहा है, अगर सही input दूंगा तो सही output आएगा. आप बस ये checking कर रहे हो. तो that is level one. That is the purpose. Level two क्या है? To show that the software does not work. अब आपके जो level two testing है वो ये है कि मैंने वो चीजें, वो input डालना है जिसके ऊपर program error कर सकता है.
ठीक है, यानी कि मेरा टारगेट ये है कि मैंने इस सॉफ्टवेयर को क्रैश करना है, मेरा टारगेट ये है कि मैंने वो इनपुट चेक करने हैं जिसके ऊपर ये सॉफ्टवेयर नहीं चलता, दैट इज लेवल टू टेस्टिंग। ठीक है, टेस्टर्स मे लाइक इट बट डेवलपर्स डू नॉट, क्यों? बट अगर एक टेस्टर ने जो है वो गलती निकाल ली है तो प्रोग्रामर को ही बताएगा ना, डेवलपर को बताएगा ना तुम्हारे कोड में गलती आई है, तो जो जो कोडिंग करता है वो तो यही कहेगा ना भाई मेरा सब कुछ ठीक है, वो आपको लेवल वन टेस्टिंग अप्रोच के साथ, माइंड फ्रेम ऑफ माइंड के साथ बात कर रहा होगा। और जो टेस्टर है तो टेस्टर का तो काम ही यही है कि उसने कीड़े निकालने हैं, टेस्टर का काम यही है कि उसने गलतियां निकालनी है, तो उसकी जो माइंड जो अप्रोच होगी वो लेवल टू की अप्रोच होगी कि वो आपको उसमें गलतियां निकाले। उससे जनरली ह्यूमन बिहेवियर के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है कि आपस में रिलेशनशिप खराब हो जाती है। ठीक है, सो अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं और कोई एरर नहीं निकला तो क्या हम ये कहेंगे कि सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है या टेस्टिंग खराब हुई है? ऐसा हो नहीं सकता कि सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉब्लम ना हो, बस ये है कि हमें उस प्रॉब्लम का नहीं पता लगा। ठीक है, तो इसको हम ये नहीं कहते कि टेस्टिंग बैड है, बस इसको हम ये कह सकते हैं देयर वर नो फेलियर्स फाउंड अमंगस्ट द कॉरेस्पॉन्डेंट टेस्ट जो हमने किए। लेवल टू हो गया। लेवल थ्री, द पर्पस ऑफ टेस्टिंग इज नॉट टू प्रूव एनीथिंग स्पेसिफिक बट टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ यूजिंग द सॉफ्टवेयर, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यूजिंग द सॉफ्टवेयर इनकर्स सम रिस्क। सो क्या किस तरह करेंगे? लेवल थ्री ये है, देखिए लेवल जीरो में हम कहते हैं गलती होगी तो देख लेंगे, लेवल वन में हम कहते हैं कि भाई हमारा सॉफ्टवेयर बिल्कुल ठीक है ये देख लें, हम वैलिड इनपुट दे के चला के दिखा देते हैं बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेवल टू में हम इनवैलिड इनपुट डाल के चेक करते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर अब भी सही चल रहा है, गलत इनपुट देने पे भी सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और लेवल थ्री पे हम क्या करते हैं, लेवल थ्री एक इम्प्रूविंग फैक्टर है, यानी कि आप खुद से अपना जो प्रोडक्ट है उसके अंदर रिडक्शन चाहते हैं, एरर्स में रिडक्शन चाहते हैं, तो आपका फ्रेम ऑफ माइंड ये है कि मैं गलतियां निकालूं, गलती निकाल के उसको ठीक करूं, गलती निकालूं उसको ठीक करूं फिर दोबारा चेक करूं, गलती निकालूं उसको ठीक करूं फिर उसको चेक करूं, ताकि मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो बेहतर से बेहतर हो सके। फ्रेम ऑफ माइंड ये है, पर्पस ऑफ टेस्टिंग ये है लेवल थ्री। ठीक है, उससे होता क्या है कि आपका जो रिस्क है, एरर का रिस्क कम हो जाता है, और इसके लिए आपको डेवलपर को और टेस्टर को साथ साथ इनकॉर्पोरेट करके चलने की जरूरत पड़ती है। देन कम्स द लेवल फोर टेस्टिंग, दैट इज टेस्टिंग इज अ मेंटल डिसिप्लिन दैट हेल्प्स ऑल आईटी प्रोफेशनल डेवलप हायर क्वालिटी सॉफ्टवेयर। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मेजरिंग एंड इम्प्रूविंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी, इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ द डेवलपर्स टू प्रोड्यूस क्वालिटी सॉफ्टवेयर। यानी कि अब आपका टेस्टिंग का पर्पस ये है कि क्या ये एक स्टैंडर्ड को अचीव कर रहा है कि नहीं अचीव कर रहा है। वो स्टैंडर्ड क्या है? वो स्टैंडर्ड कुछ भी हो सकता है, या तो आप उस स्टैंडर्ड को रखें अपने यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या आप एक स्टैंडर्ड को रखें किसी IEEE के स्टैंडर्ड के हिसाब से, ISO के स्टैंडर्ड के हिसाब से, या जो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड चल रहे हैं उनके ऊपर रख के आप उसको चेकआउट करने की कोशिश करें, तो आपका जो पर्पस ऑफ टेस्टिंग है वो लेवल फोर है।